दोस्तों तो आज का हमारा एपिसोड है एपिसोड नंबर 9। दोस्तों हम खेल रहे हैं पोकेमॉन डार्क फायर। पिछले ही एपिसोड में हम गए थे नॉर्दर्न स्टार सिटी की तरफ। वहां पे हमें एक अननोन पर्सन मिला था जो लाइट हाउस के पास था। वहां पे कुछ बुरे लोग मतलब उसे तंग कर रहे थे और उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने वाले थे, और हमने उस पर्सन को बचाया। और उसके बाद वो लोग वहाँ चले जाते हैं। फिर हम जाते हैं लाइट हाउस की तरफ। वहाँ पे एक ओल्ड मैन कहता है कि हमें एक पर्सन को ट्रैक करना है, और वो अपने गॉगल्स भी नहीं लाए, इसी वजह से वो इन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं सही से। तो हम लोगों ने उनकी मदद की उस पर्सन को ट्रैक करने के लिए। जब उस पर्सन को ट्रैक कर रहे थे तो हमें पता लगता है कि SUBO मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर्सन को कैप्चर कर लिया है और उससे सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेने वाले हैं। तो हमने उस पर्सन को अब बचाना। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। अच्छा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों पीछे मैंने पूछा था कि ये कौन सा पोकेमॉन है, तो दोस्तों ये है बीट्रिल। सबसे पहले आंसर दिया है पोकी रेंजर ने, फिर दिया है DX किंग ने, फिर दिया है राकेश भाई ने, फिर दिया है लेजेंड गेमर ने, और उसके बाद दिया है प्रणय भाई। दोस्तों यही वो डीप पोकेमॉन हार्ड फैन थे जिन्होंने जवाब दिया। दोस्तों अगर आप डीप पोकेमॉन हार्ड फैन हो तभी आप जवाब देने की कोशिश करें, स्क्रीन पे आने वाला है। इस वीडियो में दोस्त को ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस का जवाब दे सके। चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कहाँ से है हमारा अगला रास्ता। आई थिंक हम यहाँ से ऊपर देख लेना चाहिए एक बार। और वैसे ये जगह पहले बंद थी, अब देखते हैं खुली है कि नहीं। ये है नॉर्दर्न TV स्टेशन, तो लगता है ये खुल चुकी है। और मैं जरा एक बार इन अंकल से भी बात कर लेता हूँ जो पीछे जो है। ओके, तो ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा है, बाकी मैं इसके अंदर तक जाकर देखते हैं क्या है इसके आगे जाकर। ओके, ये जगह से देख लेते हैं, इसके आगे भी देख लेता हूँ एक बार। ओके, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा शुरू होने वाला है, कुछ है यहाँ पे। ओके, अगर हम इस टूर्नामेंट को वॉच करने आए हैं फिर भी मतलब उनके पास सारी टिकट्स थे वो सारी सोल्ड हो चुकी हैं। ओके, तो हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ठीक है। हाँ, हमने टूर्नामेंट जीता था वहाँ का, तो क्या हमें जान देंगे? लगता है हम जा सकते हैं, आई थिंक, देख लेते हैं बाकी। यस, हम एग्री करते हैं, हम तैयार हैं बैटल के लिए। और ये हमारा देखते हैं कौन है ओपोनेंट पहला। ओके, तो एक लड़की है ये, तो जरा अब शुरू किया जाए हमारा फर्स्ट बैटल। तो ये हमारा टूर्नामेंट शुरू हो चुका है और यहाँ पे ये सब कुछ लाइव दिखाया जा रहा है TV पे, तो ज़्यादा मज़ा बहुत आने वाला है इस टूर्नामेंट में। और देखते हैं कौन बनेगा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर। आई थिंक हम लोग ही जीतेंगे क्योंकि मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, ये बोलना था ना। और साथ में ये डबल मैच होने वाला है, उन्होंने कहा 2 पोकेमॉन इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक मतलब ये 2 पोकेमॉन यूज करेगी, हमारे पास 6 के 6 पोकेमॉन होंगे आई थिंक। तो लगता है अब शुरू हो जाएगा ये बैटल, बाकी देखते हैं। अच्छा, लोकेशन चेंज कर देगी, अच्छी लोकेशन है बाकी। ओके, ऑल राइट, सब लोग तैयार हैं। ओके, तो ये हुआ बैटल स्टार्ट। और ये अपने मतलब पहले 2 पोकेमॉन इन्होंने छोड़ दिए हैं, आई थिंक सही अटैक करेंगे तो जल्दी हम जीत जाएंगे। और यार डैमेज ज़्यादा पड़ गया हमें। ओके, तो इसका पहला पोकेमॉन ड्रैगन ईयर चला गया है, यार ड्रैगन एयर का पहला से ड्रैगन ईयर कुछ यही नाम था ना उसका। हाँ, गोवाइल इसको हैंडल कर लेगा, गोवाइल से आराम से हैंडल कर लेगा, तो गोवाइल ने इसे हैंडल कर लिया है। और देखते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है। अनबीटेबल, हमने अपना फर्स्ट मैच जीत लिया है जो बहुत ही ऑसम बात है। तो देखते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है उसका। वैसे वो कह रही बहुत ज़्यादा एम्बेरेस्ड था मुझे लूज करने के क्योंकि ये लाइव चल रहा था। ओके, तो सेकेंड है ये एक कराटे चैम्पियन आई थिंक, तो ये हमारा सेकेंड मैच है। ये है एक ब्लैक बेल्ट पर्सन, तो कैमरा शूटिंग पे दोबारा लेके जा रहे हैं, आई थिंक उसी एरिया पे हम जाएंगे। हाँ, हम उसी एरिया पे आए हैं, तो आए हमारा तो बैटल शुरू होने वाला है। तो देखते हैं कौन करता है विक्ट्री, बाकी देखते हैं कौन से दोनों फायर टाइप पोकेमॉन है। तो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बॉल और यूज़ करते हैं गस्ट अटैक इस पर ही ताकि जल्दी ये ख़त्म हो जाए। ओके, थोड़ी सी HP रह गई, वो क्या अटैक किया उसने माचाउंट ने, तो लगता है हम जा सकते हैं इस अटैक से पूरा। हाँ, पूरा गए, तो क्या पोलिवर की कर पाएगा? पोलिवर करके दिखाओ यार, कितना दम है तुमने। ओके, तो हमने माचाम को हरा दिया हुआ है। अब देखते हैं आउट टाइम प्रमोशन मतलब क्या परफॉर्मेंस कहनी थी ना, मैं गलत बोल रहा था, हो रही थी अपनी। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेनर कौन सा है, नेक्स्ट ट्रेनर आ चुका है। ओके, थर्ड मैच है, क्या ये लास्ट मैच हो सकता है अपना? लगता है ये फाइनल बैटल है आई थिंक, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। हाँ, तो ये फाइनल राउंड है हमारा, तो हम दोनों को गुड लक बोल दिया हुआ है। देखते हैं कौन जीत सकता है इस टूर्नामेंट को।
तो आई थिंक वो अपना पूरा दम लगा के देते थे। पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन हो सकते हैं, इतने स्ट्रॉन्गेस्ट भी नहीं लगे। ओके, क्रोकोनो है और एक नीडो किंग है। तो क्रोकोनो जो इलेक्ट्रिक बॉल से पूरा गया और ये नीडो किंग भी हार ही जाएगा आराम से। इलेक्ट्रिक बॉल तो उसे काम नहीं करिए, स्पार्क्स वगैरह कुछ काम कर जाए। नो, इस पर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन अटैक कोई भी टाइप नहीं, क्रिकेट अटैक करके देख लेते हैं एक बार। एचपी ख़त्म होने वाली है इसकी। ओके, हम जीत गए। ओके, पैसे भी मिल गए, चलो बढ़िया है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा हमें। हम टूर्नामेंट के लिए विजेता हैं। ओके, हमें पैसे मिलने वाले हैं इसके। तो अब ये हम बैटल जीत चुके हैं फाइनली भाई। ओके, तो ये यहाँ से ये निकल चुका है और फाइनली हम नॉर्दर्न स्टार सिटी के टूर्नामेंट के चैम्पियन निकले। पर अब हम जाएँ यहाँ से, अब कुछ या कुछ है तो नहीं गया। एक मिनट, कुछ हो रहा है। कमोन्स, एक मिनट, क्या होने वाला है। ओके, अभी ये कौन है, ये कोई अननोन पर्सन है क्या। हैंड ओवर दैट माइक ले लिया इसने तो। माइक्रोफोन उसके पास है और लगता है ये कुछ ओके तो ये वही होगा टीम SUBO का जो भी है। ये कोई होगा, कोई पर्सन वगैरह जो खुद को बड़ा ग्रेट समझ रहा होगा। बाकी हम इस टूर्नामेंट में लगता है ये बैटल तो ज़रूर करेगा, ये करे ना करे इसका चमचा ज़रूर फाइट करेगा, तो देखते हैं। ओके, तो ये हमें एक मिनट, यहाँ पे एक बैटल होने वाला है। रूल सिंपल से हैं, जो हारेगा वो उसको विनर को अपने पोकेमोन हैंड ओवर करने पड़ेगा। ठीक है, हम रेडी हैं। तो पोकेमोन तैयार रखना भाई अपना, जो बोला वो करके भी दिखाना है। अगर हम हारे अपना पोकेमोन हम तुम्हें दे देंगे, अगर हम जीते तो तुम्हें अपना पोकेमोन देना पड़ेगा। ओके, तो फायर टाइम पोकेमोन होंगे इसके पास, नेक्स्ट पोकेमोन भी फायर टाइम हो सकता है। तो मैं क्या यूज़ करूँ, मैग्मी कर दिखाएगा क्या। फ्लेम बस हो गए भाई, थोड़ी बार रहेगी इसकी। टेलीफीटा कर दिखाओ, फेंट, दोबारा फेंट। ओके, एक बार फिर कर दे यार बस। ओके, आई लॉस्ट, टेक द पोकेमोन। ओ या मिल जाए यार, अच्छी बात है। अपनी कौन सा पोकेमोन होगा। ओके, अभी क्या करने वाला है। एक मिनट, यहाँ पे बंदा खो रहा है क्या, यहाँ पे डबल फाइट होगी क्या। एक मिनट, डायरेक्टर के साथ कुछ कर रहे हैं ये लोग, इनका कुछ और प्लान है पक्का। ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं दोबारा से। ओके, तो लगता है वो यहाँ से निकलने वाले हैं। तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देने वाला है वो, और क्या हो सकता है ये रिवॉर्ड। और ये है HM05 जो मुझे लग रहा है फ्लैश अटैक। हाँ, फ्लैश अटैक की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अनटिल वी मीट अगेन, चलो हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, देखते हैं उस टाइम कौन किसको हरा पाएगा। एक मिनट, ये तो रोज़ी है ना, ये ग्रीन डेल से आई है। पर यहाँ करने की आई है क्या, टूर्नामेंट देखने आई थी क्या हमारा। ओके, अब इस पोकेमोन के अंदर जो पोकेमोन है वो हम रख लेंगे, जा देखते हैं। ओके, एक फाइल टाइम पोकेमोन यस करते हैं। ओ यार, रूम फुल है अपने। आई थिंक मुझे अपने पोकेमोन को एक बार ड्रॉप करके लेना पड़ेगा। ओ यार, बैटल टाइम। ओके, वीडियो स्किप कर रहा हूँ। तो गाइस, मैंने फाइनली पोकेमोन ले लिया, और साइड में जो PC है वहाँ पे जाओ और वहाँ से अपना पोकेमोन आपको मिल जाएगा। ओके, गिव इट अप मिस्टर डायरेक्टर। ओके, तो वो मतलब फोर्स करें कि वो उनकी साइड को ज्वाइन करें, पर मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो। बॉस ही इज़ हेयर। ओके यार, क्या आप दोबारा फाइट होगी क्या हमारे बीच में। पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो क्या हुआ इसको, अच्छा इनको हमारी हेल्प चाहिए। अरे हम हेल्प कर नहीं आए, कोई बात नहीं। पर इनको इस स्टूडियो से क्या काम है मुझे नहीं पता इतना, क्योंकि इनका क्या प्लान है कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी किसको पकड़ रहे हैं, कभी किसको पकड़ रहे हैं। ओके, ही इज़ नॉट अलोन, कम ऑन। ओके, ये रोज़ी हमारी मदद करने आई हम। ओके, अरे यार लगता है दोबारा फाइट होने वाली है। ओ यार, मुझे पन्नी से फाइट करनी थी, मुझे फाइट नहीं करनी थी, मैंने उसकी पावर चेक करनी है कितना ताकतवर है वो। ओके, पोलिया तुम कर दोगे बॉडी स्लैम। ओके, हाउ डू आई लूज। ओके, यू आर एन इडियट। ओके, तो यार तुम लोग जल्दी जाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मुझे आगे भी जाना है। तुम लोगों का क्या क्या प्लान होगा इसमें से, मुझे कोई कुछ आइडिया नहीं है। ओके ओके, तो ये डायरेक्टर के साथ यहीं पर रहने वाली है, तो देखते हैं डायरेक्टर क्या, अब इनका डायरेक्टर से क्या लेना था। पहले प्रेसिडेंट की फाइल्स पे मतलब इनकी निगाह थी, अब डायरेक्टर से इन्हें कुछ काम है, तो कुछ कह नहीं सकते इनका क्या आइडिया है। बाकी मैं अब निकलता हूँ यहाँ से, मैंने जरा ओके मैंने इनसे वैसे फाइट कर ली है, अब मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। एक मिनट, ये कौन आ रहा है। हे यू, क्योंकि हमने बहुत सारे ट्रबल इस सिटी में किए क्रिएट, देन तुम क्या कर लोगे भाई, तुम भी फाइट करना चाहता है। एक मिनट, अभी कुछ होने वाला है क्या।
इट्स टाइम टू गो। ओए इन्होंने जिगली पफ, जिगली पफ, एक मिनट जिगली पफ, अच्छा सिंगलिंग अटैक, इससे हम जल्दी सो जाएंगे और यहाँ से खिसक जाएगा ये जिगली पफ। ओके तो सिंगलिंग अटैक शुरू हो रहा है इसका। अरे यार सब कुछ ब्लैकआउट हो जाएगा क्या? हाँ सब कुछ ब्लैक हो चुका है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। आई थिंक हम लोग सो चुके हैं इस टाइम। और ओके तो उन्हें एक जिगली पफ मिली जो ऊपर थी, उसने सॉन्ग क्लियर गाया और उसकी वजह से हम सो गए। बाकी देखते हैं वो लोग कहाँ गए हैं। लगता है हमें दूसरी सिटी की तरफ वापस जाना चाहिए जिस सिटी की ये बात कर रही है। और सब में मिला है पोकी फ्लूड। अब मुझे पता है पोकी फ्लूड कहाँ यूज़ करनी है, मैंने एक स्नोलेक्स देखा था एक। ओके वो जिस सिटी का नाम बोल रही थी ना, लेवेंडर सिटी कुछ यही नाम था, उस सिटी के पास जाना चाहिए। ओ अ ट्रेनर, अच्छा तुझे हम वहाँ तक ले भी जाएगा, तो ठीक है भाई तुम कहाँ मिलोगे हमें ये बताओ, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। इसकी बोट किधर है? बाकी यहाँ से जा रहा है, इसकी बोट हमें ढूंढनी पड़ेगी तभी ये हमें मिलेगा। पहले मैं इसकी बोट ढूंढने चलता हूँ, मैं यहाँ से खिसक चुका है। बाकी लगता है ये मतलब इन किनारों वगैरह पे होगा। पहले मैं वहाँ पे लाइट हाउस के पास देख लेता हूँ, वहाँ पे एक बोट थी ना मैंने देखी। हाँ लाइट हाउस के पास भी बहुत सारी बोट्स थी। बाकी यहाँ पे मैं लाइट हाउस के पास देखता हूँ, नहीं यहाँ पे कोई सेल्स मतलब वो बंदा नहीं है जो मैं वहाँ तक लेके जाएगा। और बाकी देखते हैं। ओके ऊपर देख लेते हैं एक बार, नहीं यहाँ पे भी नहीं है। तो यार कहाँ पे है, मतलब उसने कहा था कि वो इधर किधर ही होगा, पर वो गया कहाँ पे? ये ऊपर की तरफ देखते हैं सिटी के थोड़ा अंदर जाके। और नहीं यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ से भी चलना चाहिए हमें नीचे की तरफ से। नहीं यार एक मिनट क्या हो रहा है ये? हाँ अब ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमें एक बार नीचे की तरफ से देख लेना चाहिए। और लगता है यहाँ से, यहाँ से यहाँ और इसके आगे देख लेता हूँ एक बार। ओ लगता है यही वो पर्सन है। ऑल राइट तो वो तैयार है हमें वहाँ से लेके जाने के लिए। ओ अच्छा ये तो वही पर्सन था जो हमें यहाँ पे मिला था, जिसकी हमने मदद की थी। और यहाँ से चलते हैं हम यहाँ से आगे। शायद हमें इस तरह से जाना चाहिए ऊपर की तरफ से। ओके नहीं 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 आई थिंक हम गलत तो नहीं आ रहे हैं क्या? हाँ हम गलत आए, रूट नंबर 7 है, ये गलत जगह है। यार वो मुझे इस जगह याद है, वो पता है कैसी थी, मतलब जहाँ पे प्रोफेसर ने मैंने पोकेमोन दिया था ना दोबारा चूज करने को, वो वाली जगह लग रही है मुझे। वहाँ पे मैंने स्नोलेक्स देखा सोया हुआ, पर मैंने उस वीडियो में उसे ऐड नहीं किया था, उसे स्किप कर दिया था। और आई थिंक वो नीचे की तरफ ही होगा, हमें बस ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। ये है रूट नंबर 9 और देखते हैं बाकी। ओके क्या हम सही जा रहे हैं? क्या यहाँ से हम जा सकते हैं क्या? एक मिनट पोकेमोन आ रहा है, नहीं चाहिए। ओके तो बाकी मैं देख रहा हूँ और मुझे अभी कुछ खास पता नहीं लग रहा है। और वैसे ये जगह मतलब यहाँ से जंप मार के भी नहीं जाना है, तो बाकी हम चलते हैं आगे की तरफ से। और एक मिनट, हाँ वो नीचे की तरफ था, और नीचे की तरफ यहाँ पे ये देखो भाई स्नो रिलैक्स यहाँ पे सो रहा है, आराम से चिल मार रहा है। पोकी फुट बजाते हैं और इसे उठाते हैं। वैसे पकड़ लें क्या, लग्जरी बोर्ड लगाऊंगा इसके लिए मैं। स्नो रिलैक्स कितने लेवल का होगा, 30 का कि 25 का कि 28 का, कितने का हो सकता है बताओ भाई? 15 का, छी 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 छी, इतना लेवल कौन गेन करेगा इसका दोबारा से। तो गाइस मैंने फाइनली उसे पकड़ लिया और मैं यूज़ करने वाला वाटर स्टोन अपने पोली वर्क पर, ताकि ये विकसित हो सके। ओ भाई अब बढ़िया हो जाएगा ये विकसित होने के बाद, लगता सेम ही होता है वैसे मुझे इस पर, वो चक्कर का जो होता है गोल सा मतलब उसका थोड़ा अंतर होता है, बाकी दिखता है ये सेम ही है। ओके पोलीवर्थ हमें मिल चुका है और अब यहाँ से हमारे पास थर्ड स्टेज पोकेमोन एक आ भी चुका है हमारे टीम में। ये शायद ये अकेला ही थर्ड स्टेज पोकेमोन है, बाकी कोई हुए ही नहीं आई थिंक, मैंने इसे फाइट नहीं की थी। ओके तो गाइस मैंने आगे सबसे फाइट कर ली, हमें कोई भी अब डिस्टर्ब नहीं करेगा आगे तक तो। और बाकी देखते हैं अगर कोई फाइट वगैरह स्किप हो गई होगी तो फिर मैं दोबारा मतलब सीन कट कर सकता हूँ, क्योंकि वीडियो जितनी हो सके उतनी में शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं यूज़ कर लेता हूँ रीपेल रीपेल रीपेल्स। ओके तो यूज़ कर लिए हमने रीपेल, अब चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ देख लेते हैं एक बार। नहीं यार यहाँ से नहीं है, एक मिनट में कुछ पर्सन इनसे बात करते हैं। अच्छा तो इन लोगों का जो होम था वो डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है, पर किसने डिस्ट्रॉय किया यार? ओके तो यार ये जिन पर शक है वही कर सकते हैं, SUBO ऑर्गेनाइजेशन ही कर सकती है ये। एक मिनट यहाँ पे किसने रीराइट किया है नाम को, नाम चेंज किया गया है एक सिटी का,
और इस सिटी का नाम जिसने चेंज किया उसका मेरे को मतलब कुछ आइडिया नहीं है, और आई थिंक वो टीम ही हो सकती है। हाँ, इन्होंने रास्ता यहाँ से ब्लॉक कर रखा है और उन्होंने सिटी का नाम भी चेंज कर दिया, तो लगता है ये हमें आगे नहीं जाने देंगे। तो वो कहते हैं ये सिटी अब से हमारी है, इसलिए हम वो आगे नहीं जाने दे रहे हैं। बाकी ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से आगे, नहीं जाने दे रहे हैं तो लगता है ये हमें किसी और पार्ट में जाने देंगे आगे। मैं अगर ऊपर की तरफ दे देता हूँ, ओके यहाँ पे फाइट हो सकती है और मैंने फाइट कर ली इन सबसे जो आगे इतने डिस्टर्ब कर सकते थे हमें। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ और देख लेते हैं एक बार क्या है नीचे। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक पेड़ काटा था और इसके आगे एक हैरा क्रॉस है। सच में अरे नहीं जी, हैरा क्रॉस मेरा बिल्कुल पकड़ने का मूड नहीं है, छोड़ो ख़त्म करते हैं ऐसे यार, रन कर देंगे, ज़्यादा मारेगा तो छोड़ो ख़त्म ही हो गया। वैसे मुझे हैरा क्रॉस चाहिए नहीं था। अब चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ पे भी कुछ नहीं बैठा। ए ट्रेनर, ओके तो यहाँ से वो जा रही है और बाकी देखते हैं आगे की तरफ। लेकिन यहाँ पे कोई रास्ता जाने के लिए नहीं, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। ऊपर देख लेते हैं एक बार, ऊपर 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 कहाँ देखूँ मैं, अब ऊपर इधर से इस तरह से देख लेते हैं क्या ये कोई सिटी है। पिन लीफ सिटी, ओके तो ये पिन लीफ सिटी है और यहाँ पे क्या हो सकता है अभी कोई आइडिया तो नहीं है हमें। ओ भाई क्या एंट्रेंस लगाई है उन्होंने, अच्छी है। और इस सिटी के ऊपर यहाँ पे क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है इस सिटी में। क्या इस सिटी में कुछ मिस्ट्री वगैरह सॉल्व करने को है क्या, यहाँ पे बात कर लेते हैं। नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं पता लगा इनसे भी। तो चलते हैं बाहर की तरफ और मैं जरा अब देखता हूँ। नहीं नहीं, ये कोई फ्लैश अटैक दिया उसने, ज़्यादा कुछ नहीं है अपने पास। और ये खड़ा है बंदा, इससे बात कर लेते हैं। ओ भाई ये फाइट कर रहा है। ओके गाइस, मैंने यहाँ से वीडियो स्किप कर दी है और यहाँ इस शॉप के अंदर देख लेते हैं। ओके, ये हर्बल शॉप है और यहाँ पे हमें हर्बल चीज़ें वगैरह मिल जाएंगी। बाकी मुझे यहाँ से कुछ नहीं बाय करना है और मैं ऊपर की तरफ एक बार देखना चाहता हूँ क्या है ऊपर की तरफ। और ये ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ है, होटल्स है क्या। ओके, यहाँ पे हम कितने रुपए में रह सकते हैं अगर ज़्यादा ही मांगेंगे। ओ भाई बस 20 रुपीज ओवर नाइट स्टे करने के लिए। ओके एक्सीलेंट, हम रेडी हैं इसके लिए। तो ठीक है, पूरी रात बिताएंगे सर, उसके बाद ही जाएंगे। पैसे पूरे वसूल करने, 20 रुपये लिए आपने। ओके तो चलते हैं अंदर और ज़रा बेड पे लेटा जाए, टेक अ रेस्ट। भाई साहब से 5-6 मिनट का खेलता है ये, ऐसा मत करो यार। इसका मेरे क्या है, ये तो पीसी है अपना, नहीं देखना। ओके तुम्हें एक प्रोटीन मिला है, ज़्यादा कुछ नहीं। भाई यार 20 रुपये लेकर 5 मिनट में, मतलब 5 सेकंड या 10 सेकंड में मिटा डाला हम लोगों को। ओके मुझे लगा जहाँ टाइम तक रहेंगे, पर नहीं यहाँ पे कुछ इतना खास नहीं मिला। बात करते हैं कि पैसे रिफंड हो सकते हैं हमारे, नहीं नहीं रिफंड नहीं होंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं अब। और एक मिनट यार, ये कहाँ से आ गया, ये लड़का कहाँ से आ गया भाई। ये तो वो इतना तुमने पहले मिला था फर्स्ट सिटी की तरफ से, हमारा दोस्त है ना ये शायद। और ओके मुझे ऐसे कोई तेरी फीलिंग आ रही कि हमसे फाइट कर सकता है इन चीज़ों को बता के। वो सिटी सिटी कब्जा क्यों है इसका, मुझे भी पूरी क्लैरिटी नहीं मिली हुई है। ये भी सिटी के बारे में ही बता रहा है और बाकी देखते हैं क्या बनता है आगे का हिसाब। ओके प्रिपेयर टू द बैटल। ओके तो यूज़ किया गया थंडर बॉल का इलेक्ट्रिक बॉल यूज़ किया हमें। ओके ये हॉन्डा बॉल यूज़ करा तो हम यूज़ करेंगे अपना पॉलिस बैक और हम इसमें बबल भी अटैक। ओके दोबारा बॉलिंग कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पोकेमॉन एस्पियन, उसके खिलाफ यूज़ करते हैं मैग्मी। मैग्मी कर देगा यार, कर देगा, मुझे मैग्मी भरोसा है। मैग्मी अब करो, ओ भाई ज़्यादा डैमेज ना पड़े हमें। ओ भाई इसने खस्ते मारा, उसने कैसा अटैक किया उसने, जैसा पता नहीं चला मुझे। वो भाई ओके साइकर, ओके इसके लिए खिलाफ यूज़ करते हैं हम पिजियोटो गैस अटैक। दोबारा गैस कर लेते हैं। ओ यार बराबर का टक्कर आई इसको। पिकाचू इलेक्ट्रिक बॉल, इलेक्ट्रिक बॉल से भी काम बन गया। और ये बैटल के साथ ये लगता है यहाँ से जाने वाला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं इसके बारे में। बाकी वो कह रहे टेक केयर करो अपनी। ओके अब चलते हैं, यहाँ से निकल चुका है ये। और बाकी मैं सिटी को देख लेता हूँ एक बार, ज़्यादा कुछ खास पता लग जाए मुझे सिटी के बारे में। और देखते हैं कि कहाँ पर अपना अगला जगह जाने की, बाकी इसके अंदर क्या है,
कट करके देख लेते हैं एक बार। तो भी टैडी शूटर रखा है हमने, कट डैक्स चैनल डैक्स रॉक्स में सब कुछ भी सिखाना है हमने, एक पोकेमोन ऐसे उसको सब सारे अटैक सिखा सकें। ओके तो ये है हाइपो पोशन, ऐसे में इतनी ज़रूरत नहीं है हाइपो पोशन की अभी के लिए, तो नहीं है बाकी संभाल के रख लेंगे इसे। यहाँ पे लगता कुछ है, यहाँ पे देख लेते हैं सूडो बूडो है शायद वो आगे, पर हम जा नहीं पा रहे, वो सूडो बूडो रास्ते में है तो हम हिल नहीं पा रहे हैं। ओके तो चलते हैं यहाँ से, अब तो कुछ है ही नहीं, बाकी मैं इधर से देख लेता हूँ। नहीं यार रास्ता ब्लॉक कर रखा हुआ है, जो ऊपर की तरफ लोग हैं उनसे शायद मैंने पहले देखा था, और जो मैंने ऊपर के साइड जो बोर्ड भी पड़ा था और उस बोर्ड में लिखा था कि ये मतलब गेम एंड हो चुकी है। बाकी वैसे गेम बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और साथ में मतलब इस गेम का ये लास्ट पार्ट था, क्योंकि मैंने आगे जो ऊपर बोर्ड था वो भी पड़ा था, उसमें भी लिखा हुआ था कि मतलब ये गेम एंड होने वाली है, एंड होने वाली, मतलब एंड हो ही चुकी है ये गेम, और इसके आगे का बीट अभी बना नहीं है, क्योंकि ये मतलब पहला बीट समझ सकते हो आप, और आगे का कुछ भी नहीं है। तो मतलब बाकी देखते हैं, ऐसे गेम बहुत ज़्यादा ऑसम थी यार, बहुत अच्छा लगा। जो तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको आज का ये गेम कैसा लगा, सब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वॉचिंग आर वीडियो।